अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू जे एम बेंटो 2.0 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग काफ़ी अरसे से किसी ऐसे ऐप की तलाश में हैं जिसकी मदद से वो लोग अपनी ऑडियो को, मतलब कि तिलावत की जो ऑडियो है उसे एडिट कर सकें। तो आप लोगों को देखने में, जब आप यूट्यूब वगैरह पर सर्च करते हैं, तो ऐसे ऐप्स बहुत कम मिलते हैं जिनमें आपको अच्छा रिजल्ट मिले। तो मैं आप लोगों के सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे चार ऐप्स लेके आया हूँ ऐसे, जिनके ऊपर पहले से मैंने ट्यूटोरियल भी बना रखे हैं। आप लोग जाके उन्हें देख भी सकते हैं और उनका जो सैंपल है वो मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर सुनाऊंगा। जो भी आपको सैंपल अच्छा लगे, आपने सिंपल डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया होगा, आप उस मेथड को जाकर चेक कर सकते हैं जो भी आपकी आवाज़ के हिसाब से आपको सूट कर रहा हो। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जो चारों सैंपल है इनको आपने बड़े ध्यान से सुनना है। अगर हेडफोन हो या हैंड फ्री हो तो वो आप लोगों ने अपने कानों में लगा लेनी है, जिससे आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स हासिल हो सके, ताकि आप लोग जज कर सकें कौन सा आपके लिए ज्यादा बेस्ट है। आप ये नहीं करना कि कोई एक या दो या तीन सैंपल सुन के उसके बाद आप लोग कहें कि हाँ भाई ये ठीक है बस। नहीं, आप लोगों ने चारों सैंपल सुनने हैं, वो इसलिए कि आप लोग जज करने में आसानी होगी कि कौन सा अच्छा है, क्योंकि ये चारों एक से बढ़कर एक है। ये नहीं है कि जो पहला सैंपल है वो अच्छा है, या दूसरा है वो अच्छा है, या तीसरा वो अच्छा है, या चौथा अच्छा है। चारों ही एक से बढ़कर एक है, जो कि YouTube के ऊपर आपको बहुत कम मिलेंगे उस तरह का डाटा। ठीक है, तो आप लोगों ने इनमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगे, आपने वो जो है ना सैंपल, वो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और यहाँ पर ऊपर आप लोगों को ना इस जगह पर एक आई बटन नजर आएगा। ठीक है, हर मतलब के सैंपल के साथ ना आपको एक आई बटन नजर आएगा, तो आप वहां पर भी क्लिक करके उस ट्यूटोरियल पर जा सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आप पहले मुकम्मल वीडियो सुने, उसके बाद जो आपको सैंपल अच्छा लगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि फर्स्ट का ये ट्यूटोरियल, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये। ठीक है, आप उनमें से किसी के ऊपर भी जाके वो जाकर चेक कर सकते हैं। वैसे भी उनके ऊपर काफी ज्यादा लोगों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, मुझे उन्हें काफी ज्यादा पसंद आया है, तो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको चारों ऐप्स एक ही वीडियो में बता दिए, ताकि आप लोग जाकर उन्हें विजिट कर सकें। तो अब मैं आप लोगों को इन चारों के सैंपल सुनाता हूँ, उसके बाद आपको एक प्रो टिप दूंगा जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा। تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो चारों सैंपल्स हैं वो बड़े ध्यान के साथ सुने होंगे, और हेडफोन या हैंड फ्री लगा के सुने होंगे, तो आप लोगों को जज करने में भी आसानी हुई होगी, और आप लोगों को कोई ना कोई जो सैंपल है वो सूट भी कर गया होगा, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो अब इनके ट्यूटोरियल आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन जो प्रो टिप है वो ये है कि जो इसके अंदर मैंने वोलो का ऐप वाला है ना, जो उससे आप लोग लाजमी सीखें, चाहे आपको वो पसंद है या नहीं है, उसे आप लोगों ने लाजमी सीखना है। जब आप वोलो को ऐप वाले को सीखेंगे ना, तो उससे ये फायदा होगा कि जब आप उसके अंदर सिर्फ आपने जो नेचुरल ट्यून वाला ऑप्शन है ना, वो उसके अंदर लगाना है अपनी आवाज के ऊपर, सिर्फ नेचुरल ट्यून वाला उसके ऊपर आपने लगा के उस आवाज को आपने कर लेना एक्सपोर्ट। बाकी कोई इफेक्ट नहीं लगाए, ना रिवर्ब लगाए, ना उसके ऊपर कोई एको वगैरह लगाए, सिर्फ आपने जो नेचुरल ट्यून वाला इफेक्ट है वो लगाना है उस पर, ताकि आपकी जो आवाज है उसके अंदर एक लहर सी बन जाए और खूबसूरत होकर निखर कर बाहर आ जाए। उसके बाद आप बाकी जो तीन ऐप है उनमें से किसी के साथ भी उसे अटैच कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग सिंपल वोलोका को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ फीचर्स अच्छे मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।